नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। तो बच्चों, आपके लिए फिर से दोबारा मैं आकृति से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। और ये जो है पंच कार्ड, मतलब पंच आकृति से संबंधित है। इसमें क्या होता है, एक कागज का होता है, उसको कागज को फोल्ड करके उसमें छेद बनाना होता है। अब जैसे इसको फोल्ड को खोलोगे तो एक आकृति बनता है। और इस संबंधित में प्रश्न दिया हुआ है, उसमें आप लोग को इमेजिन करना है कि कागज को फोल्ड करने के बाद, कट लगाने के बाद कैसा आकृति बना होगा। और उसमें चार विकल्प दिया हुआ रहेगा, उस कट के आधार पर कौन सा कट वाला आकृति है बनेगा, उसको आप लोग को चुनना है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग पिछले वीडियो में सन्निहित आकृति वाला आप लोग देखे होंगे, कैसे छुपे आकृति को पता लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक कागज से संबंधित वाला, ये सही विकल्प प्रश्न है। इसमें क्या होता है, कागज को मोड़ा जाता है, फिर से कट लगाया जाता है, फिर खोलने के बाद वो कौन सी आकृति बनती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है इसमें, और थोड़ा सा आप लोग को चैलेंज लगेगा, ठीक है। तो चलिए, आपका ये है भाग 9, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 41 से लेकर 45 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को समस्या आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा व काटा गया, मतलब पंच किया गया। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन करना है जो कागज को काटने या पंच करने के बाद खोलने पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर समस्या आकृति दिया हुआ है और इधर उत्तर आकृति दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक है 41वां। अब यहाँ पर शेप को बड़े ध्यान से देखना है कि कागज को किस प्रकार मोड़ा जाना है। अब देखिए, ये कागज है, कागज को ऐसे मोड़ोगे और नीचे वालों को इधर से मोड़ोगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज का कट लगाओगे। अब इसको खोलने से कौन सी आकृति बनता है, ये खुलेगा कैसे, ये वाला खुलेगा तो यहाँ पर त्रिभुज दिखना चाहिए। अब ये जैसे पूरा खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, कट लगाए हुए हैं, ऐसे करके मोड़े तो सब पूरा कट गया, तो ये ऊपर इधर चला जाएगा, ये जो आकृति ऊपर में चला जाएगा, तो त्रिभुज नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए उत्तर आकृति में देखते हैं। पहला देखिए, ये सेम टू सेम दिख रहा है लेकिन यहाँ पर गायब है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा दो त्रिभुज नीचे है, ऊपर में दो है, यहाँ पर गायब हो गया, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा में यहाँ पर पूरा दे दिया गया है लेकिन इस टाइप का नहीं आएगा। अब चौथा देखते हैं, चौथा इनसे मिलान करते हैं, चार त्रिभुज यहाँ बना हुआ है। और जैसे आप कागज को पूरा दोबारा पुनः खोलते हैं तो ये त्रिभुज यहाँ पर आता है, इसके मतलब चौथा वाला सही है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 42। अब यहाँ पर कागज किस प्रकार मोड़ना है, यहाँ बताया गया है। पहले ऐसे मोड़ेंगे तो मोड़ गया, फिर ऐसे मोड़ेंगे, आइए यहाँ पर दोनों जगह गोला छेद कर देंगे, मतलब यहाँ पर कट लगा देंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला का आकृति कैसा बना हुआ है, जब कट लगा हुआ है तो खोलेंगे तो कैसे दिखेगा। तो खोलेंगे तो इस टाइप का दिखेगा पूरा। अब ये यहाँ पे कट है, ये तो सही है, अपने जगह पर है। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पर है तो ये भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा गोला दे दिया गया तो एक्स्ट्रा गोला तो लगा नहीं है। और चौथा, अलग अलग जगह में गोला दिया तो मतलब चौथा भी नहीं आएगा। इसका सही उत्तर है पहला, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 43। आप एक्स वाई जेड में देखिए, इसको ऐसा मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। अब मोड़ने के बाद यहाँ पर ऐसा आकृति को यहाँ पर हम कट लगा देंगे, ठीक है। तो इसको खोलने से कैसे बनता है, कागज को खोलोगे तो इस टाइप का तो बनेगा, क्योंकि बीच में काटे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, जो कि दूसरा कागज यहाँ पे काटा हुआ था, ये आकृति बनेगा। तीसरा, ये नहीं बनेगा। और चौथा, ये भी नहीं आएगा। तो इसके मतलब दूसरा नंबर वाला सही है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 44।
अब यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जेड का कागज, फोल्ड कैसे होगा, कागज ऐसे मोड़ोगे और ऐसे मोड़ोगे, यहाँ पर दो डब्बा बना दोगे, कट लगा दोगे। पहला पहला अगर उसको खोलने जाओगे तो यहाँ पर सिर्फ दो ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर चार दिखना चाहिए, इधर दिखना चाहिए, उधर भी दिखना चाहिए। दूसरा देखते हैं ये जिस तरीके से जमा है उस तरीके से नहीं जमा हुआ है, तो इस टाइप का शेप नहीं बनेगा। तीसरा तीसरा भी नहीं बनेगा। आप चौथा देखते हैं, चौथा ये बिल्कुल बनेगा, ठीक है, तो मतलब ये चौथा वाला सही है। प्रश्न क्रमांक 45। अब यहाँ पर अलग आकृति वाला कागज बना हुआ है, पहले वर्गाकार वाला था, अब इस टाइप का बना हुआ। इसको ऐसे मोड़ोगे, फिर ऐसे मोड़ोगे, फिर यहाँ पर कुछ कट लगाओगे। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है कि कैसे बनेगा। इस कट को ध्यान दीजिए, यहाँ पर कट लगाया गया, तो उसको जैसे खोलेंगे तो ऊपर नीचे तो नहीं आएगा, ये वाला कट इस पार आना चाहिए, तो इस पार आया हुआ है, और ये वाला ये ऊपर की ओर गया है, तो ये आकृति बनेगा। पहला वाला सही है। अब दूसरा देखिए, दूसरा अलग अलग टाइप बना हुआ है, इस बार कुछ का कुछ इधर है, ऐसा है, जबकि ऐसे ऊपर ऊपर होना चाहिए, ऐसे काटे हैं, तो मतलब पहला वाला सही है। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा 41 लेकर 45 तक मैंने इसको पूरा बता दिया है, तो आप लोग भी घर प्रैक्टिस करिएगा या खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा, अपने कागज में काट के देखिएगा कि ये किस तरह का बनता है, तो आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों आप सभी लोगों को पंच आकृति वाला प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, बस इसमें आप लोगों को इमेजिंग करना होता है, थोड़ा सा कल्पना करना होता है कि कागज मोड़ने के बाद कैसे कट लगता है, कौन सा आकृति बनता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें आसान होती जाएगी। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल में नया आ गए तो लाल वाले बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा, और इस तरह का मैं नया नया जानकारी लेकर आते हूँ, जानकारी याद दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।